दोस्तों भारत और पाकिस्तान का मैच तो रद्द हो गया है, अब सुपर फोर में कैसे पहुंचेगी टीम इंडिया? और अब भारत और पाकिस्तान के इस एशिया कप में कितने मैचेस और होंगे, आइए पूरा समीकरण जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार को खेला गया मैच बारिश के कारण रद्द हो गया, जिसके कारण दोनों टीमों को एक एक अंक बांट दिए गए। भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप के अहम मुकाबले में पाकिस्तान खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 48.5 ओवर में 266 रन पर आउट हो गई। पाकिस्तान के लिए तेज गेंदबाज शाहिन शाह अफरीदी ने सबसे ज्यादा 4, जबकि हैरिस रॉफ और नसीम शाह ने 3-3 विकेट लिए। भारत के लिए हार्दिक पांड्या ने 87 और ईशान किशन ने 82 रनों की पारी खेली। वहीं दूसरी पारी में एक गेंद भी नहीं फेंकी जा सकी। दोस्तों एशिया कप 2023 ग्रुप स्टेज में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच तो रद्द हो गया, जिसके कारण दोनों टीमों को एक एक अंक भी मिल गया है, जिससे पाकिस्तान के अब 3 अंक हो गए हैं। वहीं सुपर फोर में पहुंच गई है वो। वहीं अब भारत को सुपर फोर में पहुंचने के लिए हर हाल में नेपाल के खिलाफ मैच जीतना होगा। बता देंगे कि ग्रुप स्टेज के लिए रिजर्व डे नहीं रखा गया है, ऐसे में भारत और पाकिस्तान को एक एक अंक से संतुष्ट होना पड़ा है। दोस्तों जैसे कि भारत का अगला मुकाबला नेपाल का है, ऑन पेपर नेपाल की टीम बहुत ही ज़्यादा वीक है एज कम्पेयर टू भारत की टीम से, क्योंकि नेपाल की टीम को ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है इंटरनेशनल मैच खेलने का। लेकिन क्रिकेट एक ऐसा गेम है ना, जहाँ पे एक छोटी सी कमज़ोर टीम बड़ी टीम को हराने का मादा रखती है, और यही कुछ देखने को मिला अभी कुछ ही हाल ही में जो मैच हुआ था ना UAE और न्यूजीलैंड के बीच में T20 इंटरनेशनल, जहां न्यूजीलैंड को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है T20 खेलने का। वहीं UAE को इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन फिर भी UAE ने मैच जीता और अच्छा खासा मैच जीता। तो ये दिखाता है कि क्रिकेट एक ऐसा गेम है ना, जहां छोटी टीम भी बड़ी टीम को हरा सकती है, और ये एक दो बार नहीं बहुत बार देखने को मिला है कि कमज़ोर टीम ने बहुत बड़ी टीम को मैच हरा दिया हो। इसीलिए भारत को जो अगला मैच नेपाल के साथ है वो बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये ऐसा ना करें कि आप नेपाल के साथ मैच है तो आप बैंच स्ट्रेंथ को आप टेस्ट करें और अपने मेन प्लेयर को नहीं खिलाएं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप जो टीम को पाकिस्तान के खिलाफ खिलाई थी वही टीम आप नेपाल के खिलाफ खिलाइए, क्योंकि आपका अभी प्रैक्टिस भी होगा और बहुत चीज़ें देखने को मिलेगी, जो कि पाकिस्तान के में अभी गेंदबाजों का कुछ देखने को नहीं मिल पाया, क्योंकि बारिश ने पूरा मैच रद्द कर दिया। तो ये जो आगे के मैचेस हैं ना, ये एशिया कप के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए कि पाकिस्तान तो वैसे ही पहुँच गई है, अब भारत भी अगर पहुँच गई सुपर फोर में तो ये तो बात पक्की है कि पाकिस्तान और भारत का मैच एक बार और देखने को मिलेगा। तो दूसरा मैच ये रहा, अगर सब कुछ मैच दोनों टीमें मैच जीतते रही और आगे पहुंचती रही तो फाइनल भी ये दोनों टीम खेलती हुई नजर आएगी, तो एक और मैच देखने को मिल सकता है इंडिया पाकिस्तान का। लेकिन अभी श्रीलंका में ना मौसम थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, इसीलिए पता नहीं मैच कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, लेकिन सभी दर्शक के साथ साथ सभी खिलाड़ी भी ये कर रहे होंगे कि मैच पूरा हो जाया करे, क्योंकि पूरी मेहनत होती है, इतने टाइम की प्रैक्टिस होती है। अगर मैच नहीं होता पूरा तो बहुत सबको ही दुख लगता है, इतनी तैयारियों के साथ मैच होता है। तो दोस्तों देखते हैं आगे के मैचेस में क्या होता है, क्या भारत टीम और पाकिस्तान की टीम एक मैच होगा या दो मैच होगा। अगर जो मैच होगा तो उसके बाद अब विराट कोहली रोहित शर्मा का बल्ला चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, या फिर एक बार फिर शाहिन शाह अफरीदी अपनी गेंदबाजी के दम पर पूरी टीम को जिता सकते हैं। दोस्तों आगे के मैचेस में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपकी क्या राय है इंडिया पाकिस्तान के मैच में, इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है वो सही है कि नहीं, अपनी अपनी राय हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले।